तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ डायरेक्टिव फंक्शंस के। जी हाँ, कुछ डायरेक्टिव फंक्शंस या किसी फाइल प्रॉपर्टीज फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ, क्योंकि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए एक्सेल ओपन करते हैं, और उससे पहले जो एक्सेल की जो फंक्शन लिस्ट है इस पर एक बार उसको खोल लेते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डेट एंड टाइम का फंक्शन क्रिएट किया था, यह एब्स्ट्रैक्ट हो गया था, डेट एंड टाइम हमारा हो गया था, मैथमेटिक्स में कुछ खास है नहीं, लॉजिकल मैं पढ़ा चुका हूं, और इंफॉर्मेशन में जस्ट ट्रू एंड फॉल्स देता है, जैसे आपका एनवायरनमेंट है, ये आपका पाथ देता है, जैसे कि आपका टेम्पोररी फाइल का पाथ क्या है, आपका यूजर नेम क्या है, वो चीजें यहाँ पे आपको शो करता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे एनवायरनमेंट में वन कर दिया तो ये आपका जो है प्रोग्राम डेटा का लोकेशन देगा, दो देते हैं तो ये आपका जो रोमिंग डेटा उसका लोकेशन देता है, तीन देता है तो ये आपकी कॉमन फाइल की लोकेशन देते हैं। इसी में आपके एनवायरनमेंट में अगर आप ये लगाते हैं ना, ये ऑल यूजर प्रोफाइल कहाँ पर है यहाँ दिखाता है, ऐप डेटा कहाँ पे है ये लोकेशन देता है यहाँ पे। इसी में आप अगर यूजर नेम डाल दें तो यूजर नेम दे देता है आपका, पीसी में कंप्यूटर नेम डाले तो कंप्यूटर नेम भी देता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन फॉर्मूलेज है, ऐसे इज डेट, डेट है द ट्रू, इज एम्प्टी, ब्लैंक है द ट्रू, इज एरर, एरर है द ट्रू, इज नल, ब्लैंक, नल है द ट्रू, इज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक है द ट्रू दिखाता है। तो ये बोलने से ऐसे क्यों बता रहे हैं, तीन फॉर्मूले का यूज जो है हम आगे चल के करेंगे, किसमें, अपने यूजर फॉर्म, ठीक है। तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्टिव फंक्शंस। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फिर मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। CHDIR क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, आपकी जो फाइल का डिफॉल्ट सेविंग लोकेशन है, जिसको आप लोग हो इसमें फाइल मेनू के सेटिंग में जाके चेंज करते हैं, वो आप CHDIR के फॉर्मेट से कर सकते हैं। CH ड्राइव, ये आपका ड्राइव बताता है कि किस ड्राइव में डिफॉल्ट सेव होता है। करेंट, ये तो हुआ कि आपका चेंज करता है, एक करेंट CUR, करेंट डायरेक्टरी, मतलब करेंट आपका फाइल पाथ क्या है, डायरेक्टरी क्या है वो दिखाता है। DIR फंक्शन मैं आपको बताऊंगा कि किस कोई फाइल किसी फोल्डर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो DIR फंक्शन बताता है। फाइल डेट एंड टाइम, फाइल की जो डेट एंड टाइम है वो आपको दिखाता है। फाइल लेंथ, लेंथ की फाइल की साइज बाइट में बताता है। और यहाँ आपके जो गेट एट्रीब्यूट है बताता है कि फाइल का जो एट्रीब्यूट है, मतलब कि वो रीड ओनली पे है या सिस्टम फाइल है, ये बताता है। और मेक डायरेक्टरी क्या करता है, ये तो आपको पता ही, सबसे पहले या दूसरी क्लास में बताया था फोल्डर क्रिएट करने के लिए। और सेट एट्रीब्यूट मतलब कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, ये आपका सेट करता है। सेट एट्रीब्यूट क्या था कि आपने फाइल का पाथ दे दिया, तो यहाँ पे बताता है कि जीरो में नॉर्मल है, टू मतलब रीड ओनली है, इस तरह से वैल्यू में शो करता है, तो पता चलता है कि आखिर क्या है फाइल। तो फाइल को ओपन करने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि उसका एट्रीब्यूट क्या है। ओके, दो मिनट दीजिए। तो जैसे कि मुझे क्या करना है कि एक फोल्डर है, ठीक है, जैसे एफ ड्राइव में मान लीजिए कि 2019 और जरूरी नहीं कि एक्सेल फाइल है, हम कोई फाइल ले सकते हैं। तो मैं एफ ई ड्राइव में आता हूं, ये हमारा जो है disk 3, और disk 3 में हमारे पास डैशबोर्ड और डैशबोर्ड की फाइल, इस सारे फाइलों का लिस्ट मैं अपने एक्सेल फाइल में चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, यहां डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक, और यहां हम इंसर्ट मॉड्यूल करते हैं सब्जेक्ट, और यहां पे हम
फाइल लिस्ट देते हैं, और फाइल लिस्ट में हम क्या करेंगे यहां पे इम एफ एन एज ए रेंज स्ट्रिंग स्ट्रिंग और एफ एन इक्वल टू डी आई आर, और इसमें मैं पूरा बात दे दिया स्लैश स्टार डॉट एक्सएलएस स्टार कर दिया, मतलब कि फाइल, और फाइल का टाइप मैंने टाइप कर दिया कि नॉर्मल फाइल हो, रीड ओनली, या फिर आपका सिस्टम फाइल होगा ना। अब मैं यहां पे लूप लगाऊंगा कि डू व्हाइल fn इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक देन रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस आप डॉट ऑफसेट 0 को यहां पे 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू fn, और फिर डी आई आर यहां पे fn इक्वल टू डी आई आर करके रिलोड कर दिया और यहां पे लूप दे दिया। आई थिंक एक चीज मैं आपको पहले भी बताया था, मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे सारा फाइल का नेम आ गया। अब मैं चाहता हूं फाइल का नेम, फाइल का डेट एंड टाइम कब बना था, और मैं चाहता हूं इस फाइल का डेट एंड टाइम, हाँ, और उसके बाद मैं चाहता हूं फाइल का साइज। ओके, ये तीन चीजें मैं चाहता हूं, तो क्या करूं कैसे लाऊं? तो इसके लिए हम यहां इसी को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। अब यहां fn में 0 कर दिया और यहां पे 1 कर दिया, और हमारे पास एक फॉर्मूला है फाइल डेट टाइम। ओके, इसमें मैंने फाइल का पाथ लिया, तो फाइल के पाथ में हमें फोल्डर का लोकेशन तो ये रहा, और फाइल की लोकेशन के लिए हमने इसके साथ एंड कर दिया fn, तो फाइल का यहां पर। फिर वापस हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, और यहाँ फाइल के डेट एंड टाइम के जगह पे फाइल लेम लेम फाइल लेम। ओके, और यहां पे हम जो है बाकी सब सेम रहेगा। अब देखिए मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहां पता चल जाएगा कि जितने भी फाइल के लिस्ट है उसके डेट एंड टाइम आपके यहां पे। अब फाइल का साइज जो आया है वो बाइट में आया है, तो इसको आप एमबी में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, इतना होशियार तो आप है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब क्या है, अब इससे मैं एक करना क्यों चाहता हूं बताता हूं। क्या है कि मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें मेरे फाइल्स जो है, मतलब डॉक्यूमेंट का फोल्डर समझ लीजिए, इसे मेरे जो एक्सेल की फाइल है वो लेटेस्ट फाइल यहां पे मेरा सेव है जो जाता है, तो मुझे सबसे लेटेस्ट फाइल को कॉपी करके एक अलग जगह पे मूव करना है, बात समझे? क्योंकि जब हमारा सिस्टम डाउनलोड करता है तो डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 या डेट या टाइम कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि सबसे लेटेस्ट जो है इस फोल्डर में डाउनलोड किया गया। अमित जी, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हाँ जी सर। चलिए हम इसी चीज को करते हैं, बस इसका जो पाथ है वो पाथ को मैं चेंज कर देता हूं, बाकी सब चीज सेम है।
जो पाथ है मैंने इस पाथ को चेंज कर दिया यहां पर, इससे क्या होगा कि इसमें जो फाइल का लिस्ट है वो फाइल लिस्ट हमारे यहां पे आ जाए, नेम और यहां पे हमारा साइज, साइज की जरूरत इसमें नहीं है। अब क्या करूंगा कि मैक्स फॉर्मूला की मदद से मैं इसकी मैक्सिमम डेट निकालूंगा, ठीक है, और फिर मैक्स फॉर्मूला से मैं इसकी रो नंबर निकालूंगा कि इसके अंदर एक कहां आ गया 3। तो तीसरा नंबर जो रो है वो सबसे मेरा मैक्सिमम डेटा है, कॉपी करना है हमें क्या सर? तो इसके लिए कोड क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे सबसे पहले तो ऊपर में हम लिखते हैं dim dt as a date और यहां हम देंगे इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच मैच मैक्स मैक्स और मैक्स में हमने क्या किया यहां पे हमने बी कॉलम, तो यहां पे हमने रेंज बी बाई बी को ले लिया। उसके बाद फिर मैं यहां पे एज ए इंटीजर या लॉन्ग कर लीजिए, लॉन्ग लॉन्ग हो गया। अब यहां पे हम करते आर इक्वल डॉट मैच वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच और मैच में हमने बोला कि हमें डीटी को मैच करना है इसके अंदर, तो बी बाई बी के अंदर जांच देखिए और एग्जैक्ट मैच। उसके बाद यहां पे लिखेंगे फाइल कॉपी, फाइल कॉपी में ओरिजिन कहां है हमारा, तो ओरिजिन यहां है, फाइल नेम जो है वो फाइल नेम हो जाएगा सेल्स, सेल्स में आर रो एंड वन कॉलम डॉट और किस कहां पे करना है, ओरिजिन ए ओरिजिन हो गया हमारा ना। अब यहां डेस्टिनेशन देता हूं, डेस्टिनेशन में मान लीजिए कि हमें यहां एफ राइट के 2019 के अंदर से स्लैश फाइल नेम हम वही रखते हैं जो है, यहां पे हमें इसको यहां क्लोज करना होगा और ओके अब इसको एक बार मैं रन करके दिखाता हूं।
बेसिकली यहाँ जो डेटा है डेट को अगर हम कर देते हैं एज ए डबल तो हो जाएगा, डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है इस कारण से ऐसा हुआ है। अब सही है, अब देखिए 2020 में आ गया ना, कॉपी होके आ गया ना 5 PM इफ फॉर्मूला। इस कोड में क्या दिक्कत है आप लोगों को, कैसे प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया हो? हमने सबसे पहले फाइल का पूरा लिस्ट लिया जिसके लिए DIO फंक्शन आपको हेल्प किया, ये DIO फंक्शन मैंने पहले भी समझा रखा आप लोगों को। इसमें हमने फाइल लेन डेट एंड टाइम वो फाइल लेन दो लिया, लेन लेने की जरूरत नहीं थी बट लेन लिया साइज के लिए। डेट एंड टाइम से डेट आ गया, उसकी एक लिस्ट एक सीट पे आ गई। फिर हमने क्या किया, उस सीट में से मैक्सिमम को निकाला कि सबसे लेटेस्ट डेट कौन सा है, और फिर उसको हमने लेटेस्ट डेट कहीं भी हो सकता है, तो फिर हमने यहाँ पे मैच फॉर्मूला से उसको लुकअप करवा लिया कि हम मैक्सिमम का रो नंबर क्या है, फिर उसकी वैल्यू उठाया और फिर हमने इसको फाइल कॉपी के मदद से चेंज कर दिया। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आया गया होगा, इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में बाकी ये भी आ जाए।